दे हैं जो इस कार्यक्रम की बैठक में चर्चा का विषय रहने वाले। और इसी बीच अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से। दरअसल अनियमित कर्मचारियों को की बड़ी रैली आज होने वाली है, परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगे। आधा दर्जन मांगों को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। कर्मचारियों की बहाली की भी इसमें मांग शामिल है। तो रायपुर से बड़ी खबर, परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी, आधा दर्जन मांगों को लेकर रैली निकालेंगे और बूढ़ा तालाब से होकर वो रैली निकालेंगे। कर्मचारियों की बहाली की भी मांग इसमें शामिल है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि कर्मचारियों की बड़ी रैली आज है, अनियमित कर्मचारियों की बड़ी रैली है, नियमितीकरण सहित आधा दर्जन मांगे, कौन कौन सी मांगे हैं जिनको उन्होंने सामने रखा है? हाँ देखिए बुसरा, पिछली सरकार के समय नियमित कर्मचारियों ने लगातार 20 दिनों तक आंदोलन किया था और सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह गया था। उनकी जो मांगे हैं, सबसे प्रमुख जो उनकी मांगे हैं, नियमितीकरण, उसके बाद जो वर्तमान सरकार ने तमाम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है या नौकरी से निकाला है, उनकी बहाली, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ये मांग ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर नियमितीकरण ही है। पिछली सरकार के समय जब इन्होंने आंदोलन किया था, तब कांग्रेस के तमाम जो नेता है, चाहे वो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मैं बात करूं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनकी मैं बात करूं, इन्होंने उनके मंच पे जाकर ऐलान किया था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियमितीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनकी सभी मांगे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में उनकी मांगों पर विचार तक नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्मचारियों के एक जो कार्यक्रम था उसमें जरूर गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीने बीत गए, 6 महीने में उनकी मांगों को नहीं सुना गया, इसलिए आज वो परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे। दोपहर 1 बजे बूढ़ा तालाब धरने स्थल से रैली निकालकर सप्रेशाला तक वो पहुंचेंगे और वहां पर कलेक्टर या एडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। एक तरह से एक बड़ा प्रदर्शन होगा क्योंकि परिवार सहित सड़क पर उतर रहे हैं, और अगर आज के बाद जिस तरीके से उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो आगामी रूपरेखा एक बड़ा आंदोलन वो बना सकते हैं। तो इस लिहाज से काफी बड़ा आंदोलन आज होने जा रहा है, सड़कों पर उतर रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में है, 1 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी हैं और सभी के जुटने की यहाँ पर संभावना की जा रही है। इसके अलावा जो अलग अलग कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी अनियमित कर्मचारियों को समर्थन दिया है, तो इस लिहाज से भारी भीड़ आज रैली के दौरान देखने को मिलेगी और प्रशासन ने भी इसके को लेकर व्यवस्था की है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं उसको वहां पर लगाया गया है, बैरिकेड वहां पर पहले से ही लगा दिया गया है क्योंकि वहां से अनुमति उनको नहीं है। अनुमति होने वाली है इस रैली पर, इस प्रदर्शन पर भी आप हिम्मत नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स और लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।